हरियाणा में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा चाहे कितनी भी छापामार कार्यवाही करते रहें, लेकिन उनके गृह क्षेत्र महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति अध्यापक कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा वहां के सरकारी स्कूलों के हालात देखकर लगा सकते हैं। एक पखवाड़े पूर्वी गांव आदलपुर के सरकारी स्कूल के शौचालय की दीवार गिरने से हुई छात्र की मौत का मामला थमा ही नहीं था कि गांव डुलाना के सरकारी स्कूल में शनिवार को बच्चों से बाहर बोर्ड पर पेंट करवाने का मामला सामने आ गया। इस स्कूल में अभिभावक बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, परंतु अध्यापक इन्हें पढ़ाने की बजाय बोर्ड पर दीवारों पर पेंट करवाते हैं। इस बारे में स्कूल का कोई अध्यापक तो सामने नहीं आया, परंतु खंड शिक्षा अधिकारी सूरजभान यादव से इस बारे में बात की गई तो उसने इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही, वहीं पूरे मामले की जांच करके कार्यवाही करने की बात कही। यदि पेंट का काम कॉमर्शियल लेवल पर इस तरह से करवाते हैं तो गलत है, और यदि सिखाने के लेवल पर जिस ड्राइंग का पीरियड है उसके अंदर बताते हैं कि रंग कैसे भरे जाने हैं और किस तरह से लाइनिंग खींचनी है तो सही है। वैसे मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कोई केस नहीं आया, अगर आएगा तो हम इंक्वायरी करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे कि रोड के ऊपर जो स्कूल का बोर्ड है उसके ऊपर पेंट करें तो आप इसको कितना जायज मानते हैं? नहीं, वो तो जायज नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि बच्चों से पेंट करवाएं और दिखाएं किसी पेंटर से, वो तो बहुत गलत बात है। अगर क्लास रूम के अंदर सिखाए जा रहे हैं तो ठीक है, और उसको मैंने कहा कि अगर कॉमर्शियल लेवल पर कर रहे हैं तो वो तो गलत कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में इस प्रकार का कोई केस नहीं आया, अगर आएगा तो हम जा करके उनसे पता करेंगे और जो मामला है उसकी तहकियात करेंगे और उसके बाद के अपने उच्च अधिकारियों को भी लिखेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंडिया 24 के लिए महेंद्रगढ़ से विपिन यादव की रिपोर्ट।